अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एग्लोनीमा प्लांट को कटिंग्स से लगाने का तरीकाकार देखेंगे। इस तरीकाकार के लिए देखें, मैंने एग्लोनीमा प्लांट से ऑलरेडी कुछ कटिंग्स उतारी हैं। ये एग्लोनीमा की जो टाइप है, ये एक लोकल एग्लोनीमा है। इसकी मल्टीपल टाइप्स आती हैं। ये ग्रीन एग्लोनीमा है, इसमें आप देखें कि इस तरह इसका स्टेम होता है ग्रीन एग्लोनीमास का, और इस पे लीव निकलते रहते हैं। मेरे कुछ, क्योंकि लीव्स इसके केयर ना होने की वजह से गिर चुके थे, मैंने इसे आउटडोर कुछ अर्सा के लिए रखा था और धूप की रोशनी पड़ने की वजह से वो ज़ाया हो गया जो लीव्स हैं। तो मैंने क्या किया कि इसको दो तरह से कटिंग्स ली हैं, एक वो कटिंग जिसके ऊपर लीव्स मौजूद हैं, एक वो कटिंग जिसके ऊपर कोई लीव नहीं है। क्या होगा जब मैं इसको लगाऊंगा, ये नोड्स पर से रूट्स निकालेगा और किसी एक नोड से शूट निकाल के चलना शुरू कर देगा। तो ये देखें कि मैं मल्टीपल कटिंग्स लूँगा। ये मेरी लीव्स वाली कटिंग है, मैं इसको एक पॉट में लगा दूँगा। सिर्फ स्टेम वाली कटिंग्स को एक पॉट में लगा दूँगा। काटने के बाद, कटिंग लेते वक्त ख्याल ये रखना है कि आपने किसी शार्प नाइफ से इसे काटना है। शार्प नाइफ से काटना है कि कैंची से नहीं काटना, ताकि इसके सेल्स डिस्टर्ब ना हो। दूसरी चीज़ ये कि इसका आपने जो रूट्स वाली साइड है वो नीचे ही रखनी है, दूसरी साइड ऊपर वाली साइड ऊपर ही रखनी है। उसका आप कोई निशान लगा लें, या मेरे पास ये देखें लीव्स, पुराने लीव्स के कुछ ये चीज़ें मौजूद थी। तो ये देखें, लीव का अगर चीज़ ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये रूट्स वाली साइड है, ये इस तरह नीचे को उतर जाता है, तो इसका मतलब ये रूट्स वाली साइड है। तो ये आपने इस तरह इन कटिंग्स को लगा देना। अब मैं वन बाय वन इन कटिंग्स को लगा दूंगा इसमें। कटिंग्स लगाने के बाद ये देखें, मैंने इसमें सारी कटिंग्स लगा दी हैं मल्टीपल। आपकी मर्जी, आप जितनी कटिंग लगाना चाहें, लेकिन ऑब्वियसली जब ये ग्रो आउट कर जाएगा तो इसका आपको पॉट चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये करनी है आपने कि कटिंग लगाने के बाद इसको जो है वो नीचे से इसे प्रेस कर देना कटिंग के पास से, कि उसमें एयर गैप्स ना रहे कटिंग्स में, ताकि एयर की वजह से इन्हें फंगस ना लगे। ये लगाने के बाद आपने इसे हल्का सा स्प्रे ऑफ वाटर करना है, यानी ज़्यादा पानी नहीं देना, ताकि आपकी कटिंग्स जो हैं वो रॉट ना हो, ख़राब ना हो, गल ना जाए। तो इस तरह भी देखेंगे, एक पॉट मेरा तैयार है। इसी तरह मैं दूसरे पॉट में लीव्स वाले प्लांट की कटिंग लगा लेता हूँ। इसके लीव आप काटना चाहते हैं काट लें, नहीं काटना चाहते तो आप इनको बेशक ऐसे ही रहने दें, खुद ही है जो सर्वाइव ना कर सके गिर जाएंगे। अगर ये इन सीज़न आप ग्रोइंग सीज़न में लगा रहे हैं तो ये ना भी काटें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे सीज़न में लगा रहे हैं जो ग्रोइंग सीज़न नहीं है, प्रेफरेबली तो आप लगाएं ना उस सीज़न में। अगर वो ग्रोइंग सीज़न नहीं है तो आप इसे जो है वो आप इसको ग्रोइंग सीज़न ना नहीं है तो आप इसके ऊपर वाले लीव्स को कट कर देंगे लगाने से पहले। तो ये मैंने एक कटिंग लगा दी, प्रेस कर दिया। इसी तरह सारी कटिंग को वन बाय वन लगा के प्रेस करता जाऊँगा। ठीक है जी, ये मेरी कटिंग लग चुकी है। ये ज़रा पत्ता ख़राब है, मैं इसे काट देता हूँ। ये मेरी कटिंग्स लग चुकी हैं, इनको अच्छी तरह प्रेस करना है स्टेम के पास से, ताकि इस पर फंगस ना लगे, बस ये ख्याल रखना है इसमें। तो ये विद इन 2 to 3 months आपके प्लांट जो है वो न्यू शूट्स निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखें, आप दोनों तरीक़ों से इसको, इसकी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ स्टेम्स काट के लगाएँ या विद लीव्स आप जो है वो कटिंग लें, तो वो भी ग्रो कर जाएगी इसकी। ये ग्रीन एग्लोनीमा का रिज़ल्ट है, जो हमने कटिंग्स लगाई थी उनका रिज़ल्ट है। मैं पहले बताता चलूँ आपको कि मैंने वो कटिंग इस प्लांट से ली थी। आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इस कटिंग को उतारा था यहाँ से, और ये देखें यहाँ से एक न्यू नोड निकलना स्टार्ट हो चुका है। और फिर इसके अलावा मैंने यहाँ से उतारा था, इससे अभी इससे नोड नहीं निकला, इसने नई एक ब्रांच वहाँ पर निकाल दी। इसी तरह आप देखें कि ये वाली एक कटिंग यहाँ से उतारी गई थी, इससे उतारी थी, ये देखें यहाँ से नया प्लांट निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो आपका जो पुराना प्लांट है जिससे आप कटिंग्स लेंगे, वो भी काफ़ी हेल्दी और बुशी बन जाएगा। और इसी तरह ये आपको मैं रिज़ल्ट दिखाता हूँ, जो कटिंग्स मैंने लगाई थी, जो कटिंग उतारी थी उसका ऊपर वाला पोर्शन जिसके साथ लीव्स थे, ये उसका रिज़ल्ट है। आप देखें कि इसके एक्स्ट्रा लीव कुछ गिर चुके हैं, और ये मैंने आपको बताया था कि कुछ लीव्स गिर जाएंगे। और ये चेक करें, इसके जो न्यू लीव्स हैं, ये देखें, इसमें से ये भी न्यू लीव निकल रहा है, इस कटिंग में से भी न्यू लीव निकल रहा है,
और मतलब हर सारी कटिंग्स इसकी सक्सेसफुल रही हैं, कोई भी कटिंग में ख़राब नहीं हुई। इसके अलावा हमने सिर्फ स्टिक्स लगाई थी, ये देखें ये स्टिक्स लगाई थी दूसरे पॉट में, उसका रिजल्ट आप चेक करें कि इस स्टिक्स से ये देखें इसने नया नोड निकाल के लीफ भी निकाल ली हैं। ये ज़रा स्लो है, इसने नोड निकाला है लेकिन लीव्स अभी आ रहे हैं। इसके नोड इसके ऊपर से नहीं निकला, इसने सेपरेट एक जो है वो नोड यहाँ से निकाल लिया है, इसकी रूट नोड में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह इससे भी, और ये चेक करें कि पूरा प्लांट जितनी भी मैंने कटिंग्स लगाई थी उसमें से कोई भी ख़राब नहीं हुई और सब सक्सेसफुल रही हैं और सब ने अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर दिया है।